नमस्कार, मैं अंजना सिंह, स्वागत है आपका न्यूज़ विंग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम यहाँ आड्रे हाउस में आए हुए हैं, जहाँ की द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय चित्रकला महोत्सव बोले या फिर यहाँ लोक चित्रकला जो है उसका एग्जीबिशन लगा। आइए, इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे चित्रकार से मिलाते हैं जो कि यहाँ रांची आए हुए हैं, स्पेशली आड्रे हाउस का ये एग्जीबिशन देखने आए हैं। उनका परिचय हम आपको उन्हीं से कराते हैं। सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश प्रसाद है, मैं भोजपुर जिला के जगदीशपुर ब्लॉक में आर्ट टीचर हूँ। कौन सा आर्ट टीचर? मेरा मैं स्कल्पचर, मैंने मूर्तिकला, शिल्पकला, वुड क्राफ्ट क्राफ्ट हुआ। मैं यहीं जमशेदपुर से ही मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स कंप्लीट किया था रविंद्र भवन, और 93 में मेरे ये कोर्स कंप्लीट हुआ था। और मैं अभी स्कूल में ही आर्ट टीचर हूँ। हाँ, यहाँ पर जो जो चित्रकारी लगाई गई है उसको आपने अच्छे से देखा? हाँ, मैंने देखा। और कौन कौन सी, किस किस टाइप के चित्रकार इसमें देखा? मैंने वो तैलचित्र वगैरह जो है बहुत अच्छा वर्क हुआ है, तैलचित्र, वाटर कलर पेंटिंग जो है इसमें, और बहुत, और ख़ास करके मैंने वाटर कलर में जो आर्ट है, लैंडस्केप वगैरह जो बहुत अच्छा मिला, और जो यहाँ के परंपरा से संबंधित जो आर्ट किया गया है वो भी बहुत अच्छा लगा। जो आर्टिस्ट यहाँ के किए हैं, लोकल आर्टिस्ट, यहाँ की परंपरा को दिखाए हैं, वो उतना मैंने जितना चाहिए, उनके जो बैकग्राउंड है बहुत मैंने दयनीय स्थिति है। गवर्नमेंट जो है, चाहे यहाँ की सरकार जो है, मुझे चाहिए कि मैं उनको कुछ, मैंने ऐसा कोई जॉब दे उनको प्राइवेट तौर पर, कि ताकि वो कुछ से कुछ मैंने अपना कहीं बाहर ना जाना पड़े, उनको यहाँ रह के अपना आर्ट करे और आर्ट को जो दिखाए और उसमें कुछ उनको अर्न हो, ताकि अपना जीवन यापन भी कर सके यहाँ पर रह के। बिहार और झारखंड की तुलना में आर्टिस्ट कहाँ के ज़्यादा आप देखते हैं कि उनकी स्थिति अच्छी है? बिहार झारखंड, तो अब तो बिहार झारखंड अलग अलग हो गया। पहले तो मैं बिहार ही था, लेकिन अब दोनों आर्टिस्ट तो यहीं के हैं। और आर्टिस्ट के मामले में तो आर्ट के मामले में यहाँ जो झारखंड अब बन गया है वो यहाँ काफ़ी आगे है आर्ट के मामले में। आर्ट म्यूजिक हो, चाहे आर्ट हो, चाहे फाइन आर्ट हो, जो भी आर्ट हो, चूँकि बंगाल से बगल में है, बंगाल का प्रभाव है, चूँकि आर्ट से लोग प्रभावित हैं यहाँ के, कोई भी आर्ट करने के लिए सीखने में उत्साहित हैं। चूँकि बिहार में लोग, अभी एक आर्ट कॉलेज है पटना में, लेकिन उसका स्थिति दयनीय है, उसमें गवर्नमेंट के ध्यान नहीं उस पर, जो भी टीचर हैं सिखाने में ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा एडमिशन हो गया तो उस पर कैसे उसको सिखाना है, कैसे स्टेज वाइज ले जाना है, हेयर वाइज बताना कैसे, उस पर लापरवाही है। सिर्फ एडमिशन ले लिया जाता है, उसमें सिखाया नहीं जाता। ठीक है, जैसा कि आपने सुना कि एक आर्टिस्ट हमारे साथ, बिहार के जाने माने आर्टिस्ट थे, जिनको, जिनकी जुबानी आपने खुद ही सुनी कि आर्ट एंड कल्चर में क्या स्थिति बिहार और झारखंड में इसकी बनी हुई है। हालांकि बिहार से थोड़े मामले में झारखंड इस दृष्टि से देखा जाए तो चित्रकला की दृष्टि में थोड़े से आगे हैं, जो कि ये द्वितीय राष्ट्रीय स्तर पर एग्जीबिशन लगा हुआ है। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर, संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य, गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।